Hello students, good morning. I hope you all are fine and enjoying at your home. So today we are going to start chapter number 1 start kare usse pehle jaiye aur apne textbook leke aa jaiye and you have to keep one highlighter or pencil with you. So jab bhi main kuch underline ya highlight karne ke liye bolu, you have to mark it in your textbook. Okay, let's start. Our chapter number 1 is the computer and overview. Okay, we will start with this chapter. Okay, a computer is an electronic device which accepts data given by the user, that is input. It then processes the data according to the given instructions and finally produces the result as output. आपने ये previous standard में learn कर लिया है कि computer में हमें कुछ भी data insert करना पड़ता है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ता है. कंप्यूटर सारा डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फाइनल व्यू हमें क्या देता है, आउटपुट देता है. ओके, नाउ सी डेटा एंड इंफॉर्मेशन. व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डेटा इज एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स और अदर सिम्बल्स दैट हैज बीन कोडेड इन टू अ फॉर्मेट दैट कैन बी इनपुट इन टू अ कंप्यूटर and process. You have to underline this. What is data? Data is a collection of numbers, characters or other symbols. See, data means if of number nahi, 1 2 3 4 number nahi, uske andar aap text bhi type kar sakte ho, image bhi dal sakte ho, symbols bhi dal sakte ho, videos dal sakte ho, audios dal sakte ho, that everything is data. Data on its own has no meaning. In other words, data can be defined as a representation of facts, concepts or instruction collected for analysis. It is only after processing by a computer that data becomes information. Computer में पहले हम कुछ भी raw data डाल रहे हैं, जैसे कि मुझे type करना है कुछ भी file या कुछ भी, तो सिर्फ हम type कर रहे हैं तो उसका कोई meaning नहीं है जब तक वो एक पूरे file के form में present नहीं हो जाता. Okay? The main types of data that can be input into a computer are numeric, text, date, graphics and sound. Data is stored as a series of a number inside the कंप्यूटर. हम कंप्यूटर में कुछ भी डेटा टाइप करते हैं तो वो एक नंबर के फॉर्म में उसमें स्टोर होता है. जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 एंड 1. अगर मैं विनय इंटरनेशनल स्कूल का वी टाइप कर रही हूँ तो कंप्यूटर को वी क्या है पता नहीं है. कंप्यूटर को वी के नीचे जो नंबर है, कंप्यूटर में जो उसका वी का कोड टाइप है, वही कंप्यूटर को पता है. ओके, नाउ सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. स्पीड, ये सारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको याद रखना है. ओके, speed, accuracy, diligence. Now see, first of all, a computer can process millions of instructions in a second. Same calculation that would have taken hours and a day to complete can be completed in few seconds using the computer. The speed of computer is calculated in terms of MIPS. What is the full form of MIPS? Millions of instruction per second. See, कंप्यूटर कितनी स्पीड में काम करता है. मैं कोई 4-5 नंबर आपको टोटल करने दूं और वही 4-5 नंबर में खुद कंप्यूटर में कैलकुलेट करूं, कौन सबसे ज्यादा कर देगा? कंप्यूटर कर देगा. यस, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा है. नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स कंप्यूटर के अंदर है, मैं उसको फिल्टर लगा के उसमें से बोलूंगी कि मुझे ये वाले 5 रिकॉर्ड्स चाहिए तो फटाफट मुझे काउंट करके मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत स्पीड में वर्क करता है. ओके, एंड उसका जो MIPS, जो उसकी टर्म्स है, उसका फुल फॉर्म क्या है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. आप ये अंडरलाइन कर लेना. ओके, नाउ एक्यूरेसी. अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी. सी, हम कोई भी नंबर या कुछ भी हम टाइप करते हैं, कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, कुछ डेटा टाइप करते हैं, तो जब तक हम मिस्टेक करके डेटा रॉन्ग नहीं देते हैं कंप्यूटर को, तब तक कंप्यूटर आपको रॉन्ग आंसर देगा नहीं. अगर आपको विनय लिखना था तो VINAY आपने लिखा है, गलती से आपने VIAY लिख दिया, N लिखना आप ही भूल गए, तो आपकी मिस्टेक है ना, तो कंप्यूटर आपको रॉन्ग आपको आउटपुट देगा ना. सो दैट्स वाई अगर आप कंप्यूटर को रॉन्ग डेटा दोगे तो ही कंप्यूटर मिस्टेक करेगा, अदरवाइज कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है वो 100% एक्यूरेसी से ट्रू देता है. ओके, नाउ डिलीजेंस. कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट एनी ब्रेक और बोर्डम. इट डज नॉट गेट टायर्ड. सी, आप पूरा दिन स्कूल में स्टडी करते हो तो लेक्चर 1 में आप फुल एनर्जेटिक होते हो, लेक्चर 2 में आप थोड़ा फुल एनर्जेटिक होते हो, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लास्ट लेक्चर आते आते आपकी एनर्जी पूरी कैसी हो जाती है? डाउन हो जाती है. आप बोर हो जाते हो, नहीं अब तो लास्ट लेक्चर में बोरिंग हो गया है ना,
कंप्यूटर ऐसा कभी भी नहीं करता। कंप्यूटर को आप कितना भी वक्त दे दो, पूरा दिन काम करवाओ, पूरी रात काम करवाओ, सारे लोग मिलके अपना अपना काम उसके पास करवा लो, कंप्यूटर कभी भी बोर होता नहीं है। ओके, नाउ स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यू हैव मेनी स्टोरेज डिवाइस लाइक सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा टू स्टोर योर डेटा। सी, कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट आप जब भी कोई डेटा स्टोर करते हो तो कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क में जाता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हमारे दिमाग से कहीं ज्यादा वो याद रखता है, हम तो कभी कभी भूल भी जाते हैं, पर कंप्यूटर कभी भी भूलता नहीं है। आपने 10 ईयर्स पहले कोई फाइल सेव की होगी और आप जाके कंप्यूटर में वो फाइल फाइंड करोगे, सर्च करोगे, तो वो फाइल आपको मिल जाएगी, क्योंकि जब तक हम डिलीट नहीं करते तब तक उसमें से डेटा डिलीट नहीं होता है। और सारे स्टोरेज डिवाइसेस दूसरे कौन कौन से होते हैं? सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस है। नाउ वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन टाइप अ डॉक्यूमेंट, द नेक्स्ट मोमेंट यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग और वॉच अ वीडियो। सी, कंप्यूटर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकता है ना। आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो, कंप्यूटर में सॉन्ग सुन सकते हो, फिर मूवी देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो, आप कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर सकते हो, है ना। कंप्यूटर तो वर्सेटिलिटी वाला है ना, उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। नाउ कॉम्पैक्टनेस। विथ रेगुलर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी द कंप्यूटर साइज इज डिक्रीजिंग। सी, सबसे पहले हमने आगे के स्टैंडर्ड में देखा है कंप्यूटर रूम की साइज के होते थे, फिर थोड़े छोटे हो गए, टेबल की साइज में आ गए, फिर हमारे पीसी की साइज में आ गए, फिर लैपटॉप में आ गए, अभी तो टैबलेट भी आते हैं आपके पास, तो कंप्यूटर की साइज धीरे धीरे उसकी कम होती जाती है, बट उसका वर्क फास्ट हो रहा है ना। नाउ रिलायबिलिटी। कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स। इफ द इनपुट इज करेक्ट देन द कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स द रिलेवेंट आंसर टू द इनपुट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर को अगर आप रॉन्ग डेटा दोगे तो ही कंप्यूटर आपको रॉन्ग रिजल्ट देगा, अदरवाइज जब तक आप इनपुट करेक्ट देते हो कंप्यूटर आपको 100% आउटपुट राइट ही देगा। नाउ पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। द डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर कैन बी रिकॉल्ड एट एनी टाइम। कंप्यूटर में आप कभी भी डेटा स्टोर कर दो, उसको कभी भी वापस मांगो, आप कंप्यूटर के पास से उसको फाइल ओपन करो, कुछ भी करो, तो वो डेटा आपको सेम टू सेम मिलेगा। ओके, तो उसका पावर कैसा है रिमेम्बरिंग का? बहुत ज्यादा। नाउ सी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की लिमिट क्या है? कंप्यूटर इतने अच्छे से काम कर रहा है बट उसकी भी कुछ लिमिट तो होगी ना। चलिए देखते हैं कंप्यूटर की लिमिट क्या है। कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन एंड परफॉर्म्स मल्टीपल फंक्शंस बट इट हैज द फॉलोइंग लिमिटेशन। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। वो डिसीजन नहीं ले सकता है कंप्यूटर, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का अपना खुद का दिमाग नहीं है। यस, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बट उसमें ऑलरेडी प्रोग्रामर ने इंस्ट्रक्शन डाली हुई है तभी कंप्यूटर वर्क करता है ना। तो कंप्यूटर अपने आप तो वर्क करता नहीं है, उसको वर्क करने के लिए उसके अंदर पहले से प्रोग्रामिंग दिया जाता है, इसलिए उसमें डिसीजन लेने का, अगर हमने टाइप कर दिया उसमें 2+2 4 होता है, हम 4 ही आंसर चाहिए था, हमने 2+1 कर दिया, तो कंप्यूटर नहीं बताएगा कि आपको 2+2 करना था, आपने यहाँ पे 2+1 किया है, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले सकता है उसको आगे क्या करना है। हाँ, बट उसके अंदर अगर प्रोग्रामिंग किया हो, पहले से अंदर इंस्ट्रक्शन दी है, तभी वो काम करता है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अ कंप्यूटर इज नॉट गिफ्टेड विद द इंटेलिजेंस एज अ ह्यूमन। हमारे पास जैसा दिमाग है ना वैसा कंप्यूटर के पास नहीं है। कंप्यूटर के पास ब्रेन है बट कंप्यूटर को किसने बनाया है? ह्यूमन के ब्रेन ने बनाया ना, तो कंप्यूटर के पास अपना खुद का तो ब्रेन है नहीं ना ऐसा हमारे जैसा। उसके ब्रेन में तो हम नहीं, जो प्रोग्रामर है उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन डाली हुई है ना, तभी कंप्यूटर वर्क करता है। वो अपने आप वर्क नहीं करता है, वो ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन से वर्क करता है। लैक ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस। कंप्यूटर को कुछ फील नहीं होता है, हम उसको कुछ भी बोले कुछ भी करे तो उसको फील नहीं होता। हाँ, बट कंप्यूटर खराब हो जाता है, ऐसा नहीं कि हम जोर से कंप्यूटर को मार दिया और कंप्यूटर को कुछ फील नहीं होगा। कंप्यूटर हर्ट हो जाता है, मीन्स कि वो टूट जाता है, बट उसको फील नहीं होता है कि मैं टूट गया और ऐसा। ओके, तो कंप्यूटर में फीलिंग और इमोशंस नहीं है। टाइम टेकन इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। अच्छा, कंप्यूटर का जो ये कंप्यूटर आपके सामने है ना, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है पता है आपको? एक प्रोग्रामर को कितना कितना टाइम लगता है इसे प्रोग्रामिंग करने में, कोई इफेक्ट डालने में, कोई प्रोग्राम बनाने में? ये बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए कंप्यूटर में टाइम टेकिंग है थोड़ा प्रोग्रामिंग करने में। नाउ सी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अ कॉमनली यूज कंप्यूटर नीड्स द फॉलोइंग हार्डवेयर टू वर्क। कंप्यूटर में क्या क्या चाहिए हमें? इनपुट चाहिए, आउटपुट, स्टोरेज एंड सीपीयू। अगर ये चार चीजें हैं तो ही ये कंप्यूटर बनता है ना। नाउ सी अलोंग विद द हार्डवेयर द कंप्यूटर रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर टू वर्क। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज अ प्रोग्रामर। Programs are stored in the computer's memory. See,
कंप्यूटर्स को बनाने के लिए, कंप्यूटर्स पे वर्क करने के लिए हमें कोई इनपुट करना पड़ेगा, तो इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए। अगर हमने इनपुट कर दिया तो इनपुट दिखेगा कहाँ, तो वो आउटपुट देखने के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए। कंप्यूटर में हमने कुछ डेटा डाला तो वो जाएगा कहाँ, स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस चाहिए। और ये सब कुछ तो हम कर रहे हैं बट डेटा प्रोसेस कहाँ होगा, तो प्रोसेस करने के लिए हमें प्रोसेसिंग डिवाइस भी चाहिए ना। ओके, सो नाउ सी IPO cycle. Computer works on IPO cycle. A computer takes the data, input, process, and then gives result as an output device. See, हमने यहाँ पे input क्या करना है? 3, 6 और plus addition करना है. Process क्या करेगा? 3 plus 6 computer उसको process करेगा. Input करने के लिए हमें क्या use किया? Keyboard और mouse का use किया. तो ये दोनों input device है. Processing किसने किया? CPU ने किया. तो CPU क्या हो गया? Processing device हो गया. Output हमें कहाँ दिखा? नीचे से ही टाइप किया, हमें स्क्रीन पे दिखा तो मॉनिटर, और फिर हमने प्रिंट किया तो प्रिंटर। तो मॉनिटर एंड प्रिंटर दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। 3 प्लस 6 का प्रोसेसिंग हुआ, आंसर मिला हमें 9, तो 9 क्या हो गया? हमारा आउटपुट हो गया। जो रो होता है डेटा, इट इज वो डेटा होता है, और वो जब पूरा बन के रेडी हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। नाउ सी इनपुट डिवाइसेस, नाउ वी विल लर्न अबाउट इनपुट डिवाइसेस। अ कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस from you through input devices. Data can be in the form of numbers, text, sounds or graphics. Some of the input devices are, see, input में हम कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने जैसे ही पहले आपको बताया था, numbers, text, PDF files या कोई भी JPEG files, मीन्स आपके फोटो, videos, sounds, games, कुछ भी डाल सकते हो आप, है ना। बट वो डालोगे कैसे? कुछ तो चाहिए ना डालने के लिए, ओके, कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। नाउ सी कौन कौन से डिवाइस चाहिए। वेरी, आपको ये पता ही है, आप सब पहले ही जानते हो, कीबोर्ड एंड माउस, ये दोनों बेसिक इनपुट डिवाइस है। अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज द मेन इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। यू कैन प्रेस द की ऑन इट टू इनपुट डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड एंड नंबर्स। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज विच कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। सी, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देखिए और काउंट कीजिए कि आपके कीबोर्ड में कितनी कीज है। 104 से लेके 1010 या 11 तक की सारे कीबोर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी वाइज कीज आती है। और वो कीज कैसे होती है क्लासिफाइड? अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है, मींस ए टू जेड कैपिटल, ए टू जेड स्मॉल, और 0 to 9 कीज होती है उसके अंदर। देखिए आपके कीबोर्ड में है, ओके। देन कंट्रोल कीज, कंट्रोल कीज में क्या क्या आ जाता है? कंट्रोल, अल्टर, एस्केप, एक्सेट्रा, ये सारी कीज होती है, ओके, शिफ्ट की और ये सब। देन फंक्शन कीज, F1 से लेके F12, चेक करो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है F1 से लेके F12 है आपके कीबोर्ड में, यस। देन स्पेशल कीज, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, स्पेस बार, एरो कीज, होम एंड एक्सेट्रा, ये सारी कीज, डिलीट और ये सब भी क्या है? स्पेशल कीज है। आप ये सारी कीज अपने कीबोर्ड में चेक करो है कि नहीं। देन पंक्चुएशन कीज, कोमा, डबल इनवर्टेड कोमा, डैश, अंडरस्कोर, एट द रेट, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, हैश साइन, ये सारे आपके कीबोर्ड में होगी, आप चेक कर लीजिए, ओके। नाउ सी माउस, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउस यू टू पुट डेटा इन टू कंप्यूटर बाई यूजिंग द पॉइंट। क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड्स, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। इट इज यूज टू मूव एंड सिलेक्ट आइकन्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। सी, माउस वायरलेस माउस भी होते हैं और वायर वाले माउस भी होते हैं, ओके। तो आप देखोगे कि माउस में तीन बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। स्क्रॉल से क्या होता है? पेज अप डाउन होता है। लेफ्ट की से क्या होता है? नॉर्मली जब भी हमें कोई क्लिक करना होता है तो हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, बट जब कभी हमें स्पेशल क्लिक करना हो, डबल क्लिक करना हो, तो हम राइट क्लिक करते हैं, ओके। तो ये आपको याद रखना है, माउस का काम क्या है? पॉइंट करना, क्लिक करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ओके। तो माउस इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, ये आप अंडरलाइन कर लेना, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। नाउ नेक्स्ट इज स्कैनर। आपने स्कैनर देखा है कभी? स्कैनर का क्या यूज होता है? ओके, हमारे पास कोई फाइल या फोटो है जो हमें उसको स्कैन करके कंप्यूटर में ले लेना है, तो स्कैनर करके एक मशीन आता है, ये वाला आपने देखोगे यहाँ पे जेरोक्स मशीन जैसा थोड़ा दिखता है स्मॉल साइज में। यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें हमारा फोटो या कुछ भी फाइल यहाँ पे रख देनी है, इसका डोर क्लोज करके इसके बटन जो होते हैं वो प्रेस करके स्टार्ट कर देना है, तो जो भी पेज हमारे हाथ में था वो वाला पेज कहाँ आ जाएगा? हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। नाउ सी, स्कैनर इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू इनपुट प्रिंटेड पिक्चर्स एंड टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर बाय रीडिंग देम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर आर अवेलेबल, द चॉइस ऑफ स्कैनर डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ विच दिस आर टू बी यूज्ड। सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ स्कैनर आर, नाउ सी, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स आते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्कैनर्स आते हैं।
handheld scanner. It is a type of a scanner that is held in hand and rolled over a flat image or document. It is used to scan document into their digital forms. See, ये वाला कैसा था? इसके अंदर आपको पेज रख देना था. ये वाला स्कैनर कैसा है? ये रिमोट जैसा होता है और हम उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो इमेज हमारा स्कैन हो जाएगा. Now flatbed scanner. It is a type of scanner that is used to use a flat glass surface for scanning document. It looks like a photostat machine. Okay, ये उसके जैसा ही लगता है, Xerox machine के जैसा ही. इसके ऊपर हमें picture रख देना है, वो उसके अंदर scan हो जाएगा. Now sheet fed scanner. It is a type of scanner that allows multiple papers to be scanned at a time. In this scanner, the stack of papers is kept on top. And the scanner automatically scans the page one by one. It is widely used in office to scan. See, ये वाला स्कैनर था, इसमें वन टाइम में वन पेज होता था, इसमें वन टाइम में वन पेज होता था, इसमें वन टाइम में वन पेज होता था. बट इसमें क्या होता है, आपको नीचे जो जो पेज आपको स्कैन करने हैं ना, वो सारे आपको रख देने हैं. यहाँ पे ऊपर सारे पेज आपको रख देने. कंप्यूटर ऑटोमेटिक वन पेज के बाद दूसरा पेज, वन पेज के बाद दूसरा पेज, वो अपने आप सिलेक्ट करके वो उसको स्कैन कर लेगा. ओके, तो ये थोड़ा फास्ट वर्क भी हो जाएगा. इसमें तो पेज हमें निकालना है, वापस से रखना है, स्कैन करना है, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, बट ये तो वेरी स्पीड हो जाता है. ओके, नाउ वेब कैमरा. ये तो आप सबने देखा है वेब कैमरा. इट इज अ डिजिटल वीडियो कैमरा कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. इट हेल्प्स टू पुट योर इमेज इन टू द कंप्यूटर When you are connected to the internet, web camera का use क्या है? इसको computer में connect कर दो, फिर आप जो भी work करोगे, जो भी आपको जो भी record करना है, वो सब आपके computer की screen में आ जाएगा. Graphic use, graphic tablet. ये भी आपको पता है. Graphic tablet के साथ क्या होता है? उसका pen आता है. It allows to directly draw on a computer screen. The device consists of a flat surface upon which you can draw with an attached stylus which looks like a pen. सी, ये क्या होता है? ये एक नोटबुक जैसा होता है. जैसे हम नोटबुक पे पेन से लिखते हैं ना, वैसे ही ग्राफिक टेबलेट में उसका जो पेन होता है, उसके यूज से आप जो कुछ भी लिखोगे, जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखोगे, वो सब आपको स्क्रीन में दिखेगा, है ना. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगी मेरे ग्राफिक टेबलेट में कुछ भी पेन लेके, तो वो आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा. ये ऑनलाइन स्टडीज में या जो लोग डायरेक्ट ग्राफिक टेबलेट्स में स्टडी करते हैं, उसको ये बहुत यूजफुल होता है. तो जब भी ग्राफिक टेबलेट में कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, वो सबके स्क्रीन पे आ जाएगा. ओके, सो इट इज ग्राफिक टेबलेट. Now next one is joystick. Yes, joystick तो सबको पता है. Joystick का काम क्या है? Game खेलने के लिए. Yes, joystick is a pointing device which is used to control the movement of pointer on your computer screen. It is mostly used device to play games on the computer. Joystick का काम क्या है? Game खेलने के लिए. Yes, ये भी pointing device है, but game खेलने के लिए सिर्फ use का use होता है. Microphone. It is an input device that is used to record voice. म्यूजिक एंड साउंड इन टू द कंप्यूटर. ये क्या करता है? माइक्रोफोन. माइक्रोफोन वॉइस रिकॉर्ड करता है. यस, माइक्रोफोन लगा के हम जो कुछ भी बोलेंगे वो सारा का सारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा. अभी मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है. यस, नाउ टच स्क्रीन. अ टच स्क्रीन इज अ स्क्रीन सेंसिटिव टू टच. वी कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग एरियाज ऑन द स्क्रीन. टैबलेट, स्मार्टफोन्स, एटीएम्स हैव अ टच स्क्रीन इन देम. ओके, हमारे मोबाइल में क्या होता है? टच स्क्रीन होता है. एटीएम में क्या होता है? टच स्क्रीन होता है. और हम फ्लाइट में कहीं पे जाना हो हमें, तो एयरपोर्ट पे भी टच स्क्रीन होता है ना, वहां पे टिकट्स निकालने के लिए हम टच करके निकालते हैं उसमें से. यस, तो टच स्क्रीन से भी क्या होता है? इनपुट होता है. तो अभी ये सारे इनपुट डिवाइसेस आपको याद रखने हैं. क्या क्या हमने लर्न किया? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एंड टच स्क्रीन. ओके, यहाँ तक का आपको याद रखना है. प्रोसेसिंग डिवाइस से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, आप ये सारा का सारा वापस से रिफर कर लीजिएगा, और ना समझ में आए तो वीडियो को वापस से देख लीजिएगा. बाय स्टूडेंट्स.